आयुष्मान अस्पताल एवं सीएमएच ग्रुप द्वारा विगत कई वर्षों से भोपाल एवं आसपास के कई जिलों में मरीजों का निशुल्क इलाज किया जा रहा है, उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन को आगे बढ़ाते हुए साझा प्रयासों से T10 क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी द्वारा 24 जनवरी 2021 को बावे अली ग्राउंड पर किया जा रहा है। टूर्नामेंट मैं डॉक्टर हितेश शर्मा ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन यहां पर हम एक टूर्नामेंट 24, 25 और 26 तारीख को बाबे अली ग्राउंड पर करा रहे हैं, जिसमें लेदर बॉल टूर्नामेंट होगी और नर्सिंग होम एसोसिएशन के अंडर जितने नर्सिंग होम रजिस्टर्ड हैं उनमें से उनकी टीमें आपस में खेलेंगी और 24 और 25 26 खेल के 26 को उसका फाइनल रखा गया है, जिसमें मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज और सारी ट्रॉफीज वितरण करी जाएंगी। जी, कोविड के लेके जो भी डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और जितने भी प्रिकॉशंस गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित हैं वो सारे प्रोटोकॉल्स का वहाँ फॉलो किया जाएगा। सारी टीम को सैनिटाइज करके जितने भी दर्शक देखने आएंगे उनको प्रॉपर सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बिठाया जाएगा। 15,000 रुपीज़ कैश फॉर द फर्स्ट प्राइज। इस मैच का उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य जनता को बताना है कि जो डॉक्टर्स हैं वो एक फिटनेस को लेके एक अवेयरनेस बताना चाहते हैं पब्लिक को, कि जब डॉक्टर्स खुद फिट रहने के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो पब्लिक को भी ज़रूरी है कि वो भी अपने काम, जो भी सारे दिन का शेड्यूल है उसमें टाइम निकाले और फिटनेस के लिए थोड़ा मेहनत करें, ताकि आने वाले समय में अगर कोरोना जैसी कोई और बीमारी भी आती है तो हमारी इम्यूनिटी उससे लड़ने की हमको शक्ति मिले। सारे नर्सिंग होम एसोसिएशन की जितनी भी रजिस्टर्ड टीमें हैं उसमें भोपाल की ही, अभी तो टीमें पूरी भोपाल की ही आई हैं। ये हमने रखा है मैडम, हम लोग जितने भी हॉस्पिटल हैं भोपाल के मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन के बैनर में, APMP एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर के बैनर में हम लोग एक क्रिकेट टूर्नामेंट कर रहे हैं जिसमें 16 टीम भाग लेंगी और इस टूर्नामेंट के डिटेल के बारे में डॉक्टर हितेश बताएंगे।